द थर्ड लिमिटेशन इज द एक्सेलरेटेड टेस्टिंग कैन नॉट बी यूज इफ द डिकम्पोजिशन इज ड्यू टू फ्रीजिंग, कंटेमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सेसिव एजिटेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट्स. द फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोडक्ट्स कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, मिथाइल सेलुलोज, विच मे डिकम्पोज और कोएगुलेट ऑन हीटिंग और ऑइनमेंट, एंड सपोजिटरीज विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर एक्सेलरेटेड टेस्टिंग. द सिक्स लिमिटेशन इज द प्रोडक्ट सच एज इमल्शंस मे अपियर टू बी मोर स्टेबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर, विच मे नॉट बी द केस एट नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस. इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स लिमिटेशंस, द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मुलेशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देन नेक्स्ट वी सी द ICH स्टेबिलिटी गाइडलाइंस. एज पर द Q1A R2, द स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स, द सेकंड रिविजन, एंड एज पर Q1B, द फोटोस्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स, एंड एज पर Q1C, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म्स, एंड एज पर Q1D, द ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइंस फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स, एंड एज पर Q1E, इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, एंड एज पर Q1F, द स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन इन क्लाइमेटिक झोन 3 and 4. देन वी सी द क्लाइमेटिक झोन्स. फर्स्ट झोन इज झोन 1. द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द टेम्परेचर लेस दॅन 20 degrees Celsius इन झोन 1, अँड द कंट्री इज जर्मनी, रशिया अँड कॅनडा. अँड झोन 2, द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ झोन 2 इज सब ट्रॉपिकल विथ पॉसिबल हाय ह्युमिडिटी ॲव्हरेजिंग 20.5 degrees Celsius to 24 degrees Celsius, अँड कंट्री आर फ्रान्स, पेरू, ऑस्ट्रेलिया अँड USA. अँड द झोन 3, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झोन 3 आर हॉट अँड ड्राय. द कंट्रीज आर बोट्सवाना, चाड, सीरिया अँड इराक. अँड झोन 4, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झोन 4 आर दे आर हॉट अँड ह्युमिड ॲव्हरेजिंग मोर दॅन 24 degrees Celsius. द कंट्रीज आर तैवान, सिंगापूर, इंडिया अँड पार्ट ऑफ साऊथ अमेरिका, मलेशिया, व्हिएतनाम. देर इज अ सिमिलॅरिटी बिटवीन झोन 1 अँड झोन 2 अँड बिटवीन झोन 3 अँड 4 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कंडिशन्स. However, humidity is relatively high in zone 2 and 4 as compared to zone 1 and zone 3 respectively. Hence, stability evaluation conducted for zone 2 will cover zone 1. Similarly, stability evaluation conducted for zone 4 will be applicable for zone 3 countries. Then next we see the type of stability studies. The first studies is long term. In zone 3 and 4, the long-term studies are 30 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius or 65% RH plus minus 5% RH. And in zone 1 and zone 2, 25 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius upon and 60% RH plus minus 5% RH. And the minimum time period covered by data at submission in long term is 12 months. And the second stability studies is accelerated, and the storage condition in zone 3 and zone 4 is 40 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius and 75% RH plus minus 5% RH. And in zone 1 and zone 2, the accelerated studies are storage condition is 40 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius and 75% RH plus minus 5% RH. And the minimum time required covered by data at submission of accelerated study is 6 months. Then last, we see the testing frequency. In that first, at the long-term storage condition, every 3 months over the first year, every 6 months over the second year, and annually thereafter through the proposed retest period.
एट द एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन मिनिमम ऑफ 3 टाइम पॉइंट्स एग्जाम्पल पॉइंट पॉइंट 3 एंड 6 मंथ्स फ्रॉम अ 6 मंथ स्टडी इज रिकमेंडेड। एंड लास्ट थर्ड एट द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन एट द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन अ मिनिमम ऑफ 4 टाइम पॉइंट्स दैट मीन्स एग्जाम्पल 0.6 9 और 12 मंथ्स फ्रॉम अ 12 मंथ स्टडी इज रिकमेंडेड। Hence, here the topic kinetics and drug stability is end. So, please hope you like this video. And if you like this video, please comment and share this video more and more to your GPAT aspirants or CET aspirants and also the competitive exam preparation aspirants also. So, here is the last chapter. Kinetics and drug stability is completed of the first unit of pharmaceutics, physical pharmacy. Then next we see the important points in physical pharmacy, which is most important topic for GPAT. So thanks for watching this lecture. Tomorrow's lecture is most important. We gives the important points of physical pharmacy. So don't skip this lecture. So thank you for watching. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bye. Good night. The third limitation is the accelerated testing cannot be used if the decomposition is due to freezing, contamination of microorganisms.